हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए दो वेबसाइट्स लेके आई हूँ जिसका डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छा है और वहाँ से आपको डू फॉलो बैकलिंक्स भी मिलेगा। प्रोफाइल के लिए बैकलिंक बनाना नॉर्मली रिकमेंडेबल नहीं होता है, लेकिन इन वेबसाइट्स का स्पैम स्कोर बिल्कुल ही 1% स्पैम स्कोर है, जिससे कि आपकी वेबसाइट को कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा, प्लस आपको यहाँ से डू फॉलो बैकलिंक भी मिलेगा। इन वेबसाइट्स पर बैकलिंक बनाकर आप अपने वेबसाइट की अथॉरिटी को भी इंक्रीज करवा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों वेबसाइट्स की जो अथॉरिटी है वो गूगल पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। तो चलिए आइए, मैं आपको दिखाती हूँ वो वेबसाइट्स कौन सी है। तो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट वेबसाइट आपके लिए लेके आई हूँ वो है pbase.com। pbase.com पे अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तब हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमें प्रोफाइल ऑप्शन दिख रहा है, प्रोफाइल पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी वेबसाइट यहाँ पे ऐड करवा रखी है। तो इस pbase का अगर मैं आपको डोमेन अथॉरिटी दिखाऊं, pbase का अगर हम मोज पे डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं 87 इसकी डोमेन अथॉरिटी है और स्पैम स्कोर आप देख सकते हैं कितना कम स्पैम स्कोर है, हार्डली 1% इसका स्पैम स्कोर है। और अगर हम डू फॉलो नो फॉलो की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये लिंक है मेरा, ये भी मेरा डू फॉलो लिंक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप अपनी वेबसाइट की प्रोफाइल क्रिएशन इस वेबसाइट पे करवा देते हैं pbase.com पर, ब्लॉगिंग अपने ब्लॉग की अपनी वेबसाइट का प्रोफाइल यहाँ पे बना देते हैं तो आपको यहाँ से एक अच्छी अथॉरिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। और अगर हम इसका सिमिलर वेब पर एनालिटिक्स चेक करते हैं, इसका ट्रैफिक देखते हैं सिमिलर वेब पर, तो सिमिलर वेब पे आप देख सकते हैं पे इसके पास 5,36,000 इसके पास मंथली विजिट्स है। और यहाँ पे हम इसका और एनालिटिक्स देख लेते हैं। जिसके पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है वो US से है, कनाडा से है, फ्रांस से है, देन इंडिया से है। इट मीन्स इसके पास ऑलमोस्ट सारा ट्रैफिक US और कनाडा का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाते तो आपको कितना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ किस तरह से आपने इसके ऊपर बैकलिंक बनाना है। मैं इसको एक न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे खोल लेती हूँ, pbase.com। तो बस आपने यहाँ पर क्रिएटेड ट्रायल अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको फिल कर देना है रजिस्टर पे क्लिक करके, और देन यहाँ पे आपने डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। अब मैं इसको हाईलाइट बंद कर देती हूँ। देन यहाँ पे आपकी अकाउंट सेटिंग्स आ जाती है। अकाउंट सेटिंग्स पे आपने क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यूआरएल का ऑप्शन मिलेगा। तो जो जो बेसिक इन्फो आप ऐड कर सकते हैं वो आप ऐड कर दीजिएगा। अपीयरेंस आप अगर बनाना चाहते हैं कुछ यहाँ पे तो अपीयरेंस बना दीजिएगा। तो बेसिकली ये वेबसाइट जो है यहाँ से ट्रैफिक की कोई गारंटी नहीं है, बट स्टिल आपको यहाँ से अगर आप अपनी यूआरएल यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो आप की वेबसाइट को कुछ अथॉरिटी मिलने की ज़रूर पॉसिबिलिटी यहाँ से हो सकती है, प्लस आपको यहाँ से डू फॉलो बैकलिंक ज़रूर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट की जिसका नाम है bedsheet.com। तो चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको सारा उसका एनालिटिक्स शो करती हूँ और उस पर बैकलिंक कैसे बनाना है उसका प्रोसेस शेयर करती हूँ। तो ये हमारी सेकेंड वेबसाइट है bedsheet.com। स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिए, bitchute। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डोमेन अथॉरिटी और अदर एसईओ मेट्रिक्स दिखा देती हूँ। डोमेन अथॉरिटी आप देख सकते हैं इसका 85 डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी 37 है, स्पैम स्कोर हार्डली 1% स्पैम स्कोर है। इट मींस इसका गूगल पे एक अच्छा ट्रस्ट फैक्टर ऑलरेडी बना हुआ है। अब हम सिमिलर वेब पे इसका एनालिटिक्स चेक कर लेते हैं। सिमिलर वेब पे अगर हम इसका एनालिटिक्स चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं मंथली विजिट्स इसके पास 26.9 मिलियन है। बहुत बहुत बड़ा नंबर है माय फ्रेंड्स। तो इस पे आप प्रोफाइल क्रिएशन ज़रूर बनाइएगा। और ट्रैफिक आप देखिए, ट्रैफिक इसके पास यूनाइटेड स्टेट से है, कनाडा से है, यूके से है, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से। ओह माय गॉड, इस पे बहुत अच्छा ट्रैफिक है। तो आप इस पे
ज़रूर अपना बैकलिंक बनाइए और अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज कीजिए। तो मैं इस पर अपना बैकलिंक आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे गई, तो आप यहाँ पे देखिए ये मेरा बैकलिंक बना हुआ है। डू फॉलो नो फॉलो भी आपको चेक करवा देती हूँ। ये मैंने फॉलोड पे क्लिक किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा जो यहाँ पे बैकलिंक बना हुआ है वो डू फॉलो बैकलिंक है। इस पर मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। क्लोज कर देते हैं इसको, अनहाइलाइट कर देते हैं दोबारा से। देन अब मैं आपके साथ इसका एक ब्रीफ शेयर कर देती हूँ कैसे हमने इसके ऊपर बैकलिंक बनाना है। तो यहाँ पे टॉप बार पर राइट हैंड साइड आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये सब कुछ फिल कर देना है। रेफरल कोड में आपको कुछ फिल नहीं करना है और यहाँ पे आपने टिक कर देना है डू यू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द पिटशूट पॉलिसीज पर। देन आई एग्री क्रिएट अकाउंट, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पे क्लिक करके सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है। देन आपने इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से फिल कर देना है और आप यहाँ पे पर्सनल पे आएंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, वेबसाइट यूआरएल, एड्रेस आप फिल कर देंगे। देन आपने सोशल मीडिया के यहाँ पे फिल कर देना है। जो जो भी आप मान लीजिए आपने अगर ब्लॉगर पे अकाउंट बना हुआ है वहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन बनाई हुई, तो आप यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लॉगर का लिंक दे देंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप पिंटरेस्ट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे पिंटरेस्ट का लिंक दे देंगे। फिर आप यहाँ पे क्लिक करके जैसे टम्बलर पे हमने अकाउंट बनाया था तो टम्बलर पे आप टम्बलर यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे टम्बलर का लिंक दे देंगे। देन आप सेव कर देंगे। तो इस पे भी आप प्रोफाइल क्रिएशंस बनाइए और अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छी अथॉरिटी बिल्ड कीजिए।